नमस्कार। कक्षा षष्ठी विषय विज्ञान पाठ चार। आज हम पाठ चार के बारे में पढ़ेंगे, जो है वस्तुओं के समूह बनाना। वस्तुएं, जैसे हम सुबह से शाम तक बहुत सारी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, आज उन्हीं के बारे में कुछ चर्चाएं हम करेंगे। यहाँ हमने कक्षा छः के अंदर पिछले अध्यायों के बारे में पढ़ा। उस अध्यायों में हमने भोजन के बारे में पढ़ा। जो भोजन है वो अलग अलग प्रकार का होता है, यानी जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर खाने के लिए कुछ अलग होता है, दूसरी जगह जाएंगे वहाँ पे खाने के लिए कुछ अलग है। कहने का अर्थ है भोजन में भी बहुत सारी विविधताएँ पाई जाती है। और इससे पहले वाले अध्याय अंदर तीसरे के अंदर हमने वस्तुओं यानी वस्त्रों के बारे में पढ़ा था कि वस्त्र अलग अलग प्रकार के होते हैं या अलग अलग रेशों से बनाए जाते हैं, उनके गण अलग होते हैं, उनकी दिखावट अलग है, या फिर उन्हें कैसे कौन से वर्गीकरण में रखते हैं उसी प्रकार है। आज हमारे पास है कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं, हमारे चारों ओर के क्षेत्र में क्या क्या वस्तुएं पाई जाती हैं उनके बारे में सोचते हैं। हम सुबह से उठते ही बाद में टूथपेस्ट है या ब्रश है या फिर कपड़े है, तौलिया, जैसे जितनी भी वस्तुएं होती है, खाना बनाने के बर्तन होते हैं या हमारे पढ़ने के लिए बैग, पुस्तकें, कॉपी, पेन, पेंसिल, शॉर्पनर, ड्राइंग, ये सारे के सारे एक प्रकार की क्या है, वस्तुएं। अब उन वस्तुओं को हम कैसे अलग करें कि वस्तुएं कौन सी धातु की है, कौन सी अधातु की है, किस पदार्थ से बनी हुई थी। कुछ वस्तुएं होती है जिन्हें हम देख के पता लगा सकते हैं कि ये वस्तु ऐसी है, कुछ ऐसी होती है जिन्हें हम नहीं पता लग सकते किस चीज़ की बनी होती है। जैसे हमारे पास चोंक होती है, उस चोंक में एक वाइट सा पदार्थ होता है, हमें पता है कि वो चूने की बनी होती है, लेकिन चूना क्या है, किस प्रकार से प्राप्त होता है, उनके बारे में हमें नहीं पता। तो इसी प्रकार है कि आज देखते हैं हमारे चारों ओर की वस्तुएं, हमें बहुत सारी वस्तुओं को एकत्रित करना है, फिर उनकी अलग अलग सूची बनाना है। लोहे के बर्तन है, तार होते हैं या फिर पेंसिल, पेन, जितने भी हम वस्तुएं ले लेते हैं और उन्हें एक अलग करेंगे। प्लास्टिक की वस्तुओं को अलग लिखेंगे, कागज़ की या कार्बन की बनी हुई वस्तुएं होती है लकड़ी की, उन्हें अलग लिखेंगे, और लोहे की वस्तुएं जो धातुओं की वस्तुएं उन्हें अलग लिखेंगे। इसी प्रकार हम उन्हें वस्तुओं को अलग कर सकते हैं। पहला तो इस प्रकार कि वो किस चीज़ की बनी हुई है उसके आधार पर हमें उन्हें पृथक करना है। दूसरा हमारे पास है कि उनमें क्या क्या गुण ऐसे हैं जो एक दूसरे में भिन्नता उत्पन्न करते हैं, यानी एक दूसरे में क्या करते हैं, अलग उत्पन्न। तो उसी के लिए पदार्थों के गुण, आज हमारे पास टॉपिक है पदार्थ के गुण। पदार्थ के गुण कैसे होते हैं, वो किस प्रकार हमें दिखाई देता है, वो कठोर है, पारदर्शी है, अपारदर्शी है या फिर कोमल है, कैसा होता है, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हमारे पास सबसे पहले दिखावट, दिखावट का कहने का अर्थ देखने पर वो कैसा दिखाई देता है। जैसे बहुत सारी वस्तुएं हैं, उन्हें देखने पर किसी में चमक दिखाई देती है और किसी में नहीं दिखाई देती है, तो वो क्या एक प्रकार की क्या हो गई, दिखावट। किसी का रंग अलग होता है, किसी के रंग और अलग होते हैं। जैसे हमारे पास एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, क्या लकड़ी के टुकड़े के अंदर चमक होती है, नहीं, लेकिन लोहे जैसी धातुएं या सोना चांदी वो होते हैं, उनमें चमक होती है। तो हमें कोई बहुत सारे पदार्थ है, उन्हें देखने पर पता चल सकता है कि चमक है, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती है जो मलिन हो जाती है। मलिन का मतलब है उन पर कोई पदार्थ चढ़ जाते हैं। जैसे हमारी चांदी होती है, चांदी पर एक काले रूप की सी परत चढ़ जाती है, जो ऑक्सीजन से ऐसे नॉर्मली तरीके से अभिक्रिया करके, ज़्यादा नहीं होता है लेकिन फिर भी वो उसके अंदर मलिन हो जाता है और उसकी चमक थोड़ी खो जाती है। तो क्या करते हैं, या तो उसे तोड़ करके किसी पदार्थ, जो धातुएं होती है आसानी से टूटती तो है नहीं, लेकिन उन्हें किसी उपकरण की सहायता से तोड़ करके दो भागों में बांटकर और अंदर का भाग देखेंगे तो वो हमें चमक दिखाई देती है, करने का तो वो चमकीला है। उसी प्रकार क्या होते हैं कि कुछ धातु होते हैं जिन्हें रेजमार्क से रगड़ कर भी उनकी चमक वापस उत्पन्न की जा सकती है, लेकिन बहुत सारे पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें चमक नहीं पाई जाती। तो उसके आधार पर यानी दिखावट के आधार पर हम उन पदार्थों को पृथक या अलग अलग श्रेणियों में लिख सकते हैं। जो चमक वाले हैं उनको अलग लिख देंगे, जो चमक नहीं होते, चमक रहित होते हैं, उन्हें अलग लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम पदार्थों का एक गुण जिसके बारे में जान गए, यानी जो पदार्थ चमकीले होते हैं उन्हें हम धातुएं कहते हैं एक प्रकार से, और जो नहीं होते उन्हें अधातु कहते हैं, एक गुण हो गया। सेकंड है कठोरता या कोमलता। कोई भी वस्तु होती है कठोर होती है, कोमल होती है, यानी हमें क्या करना है कि एक वस्तु लेनी है और उसे दबाना है। दबाने को बोलते हैं संपीड़ित। संपीड़ित का मतलब है किसी वस्तु को दबाना या दोनों तरफ से पुश करना। तो पुश करने से वो क्या होती है, दबती है या, वो देखना है। और एक जो नहीं दबती है, जो वस्तु दाबने पर या दबाव देने पर दब जाती है, वो कठोर नहीं होती है, वो कोमल होती है। जैसे एक स्पंज वाला जहाँ होता है, उसे दबाएंगे तो वो एकदम नीचे होगा, छोड़ेंगे तो वापस अपनी स्थिति में आ जाता है, तो एक प्रकार का क्या है, वो कोमल है। और यदि कोई लकड़ी है या फिर पत्थर है, उसे दबाएंगे तो क्या दबेगा, नहीं, तो वो एक प्रकार का क्या है, कठोर है। इसी प्रकार एक कुछ वस्तु ऐसी होती है जिन्हें खुरचने पर, खुरचने का मतलब है जैसे हम ऐसे हाथ से, नाखून से या उसे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो टूटेगा, तो खुरचने वाले जो भी आएगी वस्तुएं वो सारी की सारी कोमल के अंदर आएगी, और जिनमें नहीं खुर सकते हैं, पत्थर है या फिर
लकड़ी है उनमें वो किस में आएंगी, कठोरता के अंदर। और धातुओं का एक गुण ये भी है कि जितनी भी धातुएं होती है वो सारी कठोर होती है, उन्हें तोड़ना इतना आसान है नहीं होता। इसके आगे है विलेय और अविलेय। विलेय का मतलब है किसी भी पानी के अंदर कोई वस्तु डालने पर वो उसमें पूरी तरीके से घुल जाए, यानी वो उसके जैसी ही बन जाए या फिर अपना एक प्रभाव अलग दे दे, लेकिन वो उसके अंदर घुल जाए, हमें दिखाई नहीं दे। जिस प्रकार पानी के अंदर हम नमक डालते हैं, नमक डालकर थोड़ा हिलाते हैं तो उसके बाद में वो नमक हमें दिखाई देना बंद हो जाता है, तो वो एक प्रकार का क्या है, विलेय। विलेय का मतलब है घुलना। जैसे हमने एक ठोस पदार्थ को द्रव में, ठोस नमक था और द्रव क्या है पानी, उसके अंदर घोला तो उसमें घुल गया, तो वो क्या हो गया, एक प्रकार का विलेय। अविलेय का मतलब है कुछ ऐसे पदार्थ जो उसमें डालने के बाद में घोलते हैं फिर भी वो उसमें नहीं मिलते हैं और उसमें दिखाई दे रहे हैं, तो उन पदार्थों को अविलेय बोलेंगे। ये हमारे पास था ठोस और द्रवों के बीच में। लेकिन कुछ द्रव है जो आपस में घुलते हैं और कुछ ऐसे होते हैं नहीं घुलते हैं। जिस प्रकार नींबू का रस होता है जब पानी के अंदर डालते हैं तो वो पूरे पानी के अंदर घुल जाता है, तो वो एक प्रकार का क्या हो गया, विलेय होगा। और अविलेय जैसे तेल या घी की बूंदों को हम पानी के अंदर डालते हैं तो उसके ऊपर एक परत जमाती है, वो उसके अंदर मिली घुलती नहीं है, तो उसे क्या बोलेंगे, अविलेय बोलेंगे। इसी प्रकार गैसें भी होती है, गैसें होती है वो कुछ कम मात्रा के अंदर विलेय के अंदर घुली हुई रहती है। जैसे एक ऑक्सीजन होती है जो जल के अंदर घुली होती है लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं होती है, और ऑक्सीजन घुली हुई होने के कारण ही जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं वो जीवित होते हैं या जीवित रहते हैं, यानी वो वहाँ से उस ऑक्सीजन को प्राप्त करते हैं। अगला हमारे पास है पारदर्शी, अपारदर्शी और पराभाषी। पारदर्शी कुछ ऐसी चीज़ें जिसे देखने पर हमें साफ दिखाई दे रही है, कहने का अर्थ है जैसे हमारे घर पर कांच है, एकदम नॉर्मल वाला कांच, ऐसा नहीं जिसमें हम अपना एक प्रतिबिंब देखते हैं, नहीं, एक विंडो वाला कांच, उसमें देखेंगे तो हमें पीछे का हिस्सा या आगे का हिस्सा दिखाई देता है। पारदर्शी का मतलब है उस वस्तु से आर पार दिखाई देना, जैसे पॉलीथीन होती है उसे आर पार हमें दिखाई देता है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, पारदर्शी। फिर है अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब है ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जिन्हें हमें दिखाई नहीं देता, जिसके पीछे जैसे एक ब्लैक कपड़ा मान लो, कोई भी मान सकते हो दीवार, उसके पीछे छुपते हैं तो हमें दिखाई नहीं देते हैं, तो वो क्या है, अपारदर्शी। फिर है पराभाषी, पारभाषी। पारभाषी का अर्थ यह है कि उसे दिखाई तो दे रहा है लेकिन साफ नहीं, कि क्या है? एक धुंधलाहट होती है, उसके पीछे से भाई कोई खड़ा है या कोई वस्तु है, वो वहाँ पे है ज़रूर लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो है क्या, हम उसे पहचान नहीं सकते, ये इस प्रकार का गुण होता है। आज हमने पदार्थों के गुणों के अंदर दिखावट, कठोरता, कोमल, विलेय, अविलेय, पारदर्शी और अपारदर्शी के बारे में पढ़ा।